हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास टेंथ का टॉपिक है ये, ठीक है। और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स। सिस्टम्स इन द सेंस हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स पर। जब हम किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ टाइप्स होते हैं उसके, जैसे ऐसे, जैसे हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ है, उस पर कुछ ऐसी लाइंस हमारी बन रही हैं, ये एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेप्ट कर रही है ना, तो हम इसको एक टाइप कंसिडर करते हैं। ऐसे ही है ना, हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनटू कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? जिनका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है। देखो, जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसा कोई ग्राफ बनाते हैं हम, है ना, तो सोल्यूशन कब आता है? सोल्यूशन तब आता है जब कोई लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि अगर एक हमारा जो भी हमारी इक्वेशन है उसका लाइन कुछ ऐसी बन रही है, एक इक्वेशन की लाइन कुछ ऐसे बन रही है ना, अब ये दोनों लाइंस इस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जितने ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स होंगे लाइन में, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे, है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई उनके अंदर कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, वरना हम नहीं बोलेंगे। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर एक होगा, दो होगा, तीन होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, तभी हम उसको कंसिस्टेंट बोल सकेंगे। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं है, एक भी सोल्यूशन नहीं है। इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई ग्राफ है ना, ये कोई ग्राफ है हमारा, इसमें कुछ यहाँ पर ही बना देते हैं, चलो है ना, ये कुछ हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है, एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये मीट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है इनका, तो ये कैसे हो गए, नो सोल्यूशन टाइप के हो जाते हैं, है ना। तो अच्छा, अब हम कंसिस्टेंट को डिवाइड करते हैं इंटू टू पार्ट्स, दैट इज यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। देखो, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? जब जो लाइंस है ना वो एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, तब उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि ये कोई लाइंस है हमारी, ये इस कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कैसा हो गया, तो यूनिक सॉल्यूशन का एक ग्राफ हम कंसिडर मेन जनरली करते हैं ना, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली हम बोल रहा हूँ, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होगा? देखो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि जो लाइंस हैं वो एक के ऊपर एक है, यानी कि क्या, कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका, यानी कि हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पे अगर एक लाइन ऐसे है तो जो दूसरी लाइन होगी वो इसको क्या कर रही होगी, ओवरलैप कर रही होगी। मतलब कि जो हमारे इक्वेशन के वन के जो हमारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं, वो ही हमारे इक्वेशन टू के पॉइंट्स हैं। देखो ना, अगर ये लाइन इसको ओवरलैप कर रही, जो नीचे वाली लाइन का जितने भी पॉइंट्स हैं वही ऊपर वाली लाइन के भी पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, यानी कि जो इक्वेशन वन का ग्राफ, इक्वेशन वन की सॉल्यूशन है वो ही हमारी इक्वेशन टू की सॉल्यूशन है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो ग्राफ है वो कभी मीट ही नहीं करता, यानी कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, यानी कि एक लाइन अगर ऐसे तो दूसरी लाइन ऐसे होगी, ये क्या होती है, नो सॉल्यूशन का केस होता है। अब इन पे मेनली बोर्ड्स के अंदर, अगर आप NTSC दे रहे हो तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आता है ना, तो उन पे ये इन पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि किस जो हमारी इक्वेशन है उसके यूनिक सोल्यूशन है, किसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो, उसके यूनिक सोल्यूशन हो। इस पे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर NTSC सॉल्व करोगे, कुछ भी सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब जब भी हम कोई भी एक चीज़ टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होती है, यानी कि जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि एक उसकी स्टैंडर्ड थी कि हाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसकी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। जब हम एक पॉलीनोमियल पढ़ते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना।
हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, राइट। सिमिलरली एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की भी एक क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल, यानी कि दो अननोन्स होंगे उसके अंदर, यहाँ पर एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द सेंस पेयर, यानी कि एक इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की और एक और इक्वेशन होगी, तो दो क्या हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू, यहाँ पर हम रेशियोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अब इसके अंदर सी वन अपॉन सी टू का कोई भी रोल नहीं आता है, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार में क्या हो जाता है, हमें इसके अंदर और इसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या हो रहा है, दोनों में यही है, इसमें हम सी वन सी टू को कंसिडर नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू विच इज़ नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इसके अंदर हम सी वन सी अपॉन सी टू का भी पॉइंट इंक्लूड करते हैं, बी वन अपॉन बी टू का भी पॉइंट इंक्लूड करते हैं और ए वन अपॉन ए टू का भी करते हैं। इसके अंदर हम तीनों का पॉइंट इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ दो का पॉइंट ही इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। इनफाइनेटली मैंने सोल्यूशन जाने की क्या होता है, देखो इनफाइनेटली मैंने सोल्यूशन जाने की जो इस लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं वही हमारे सेकेंड लाइन के भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स है वही सेकेंड लाइन के पॉइंट्स है, तो उनका जो रेशियोज होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, सब पॉइंट्स का रेशियो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू विच इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अब इसका डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन ये भी होता है दैट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। हम इससे भी कंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज ये इसके इक्वल है और ये इसके नॉट इक्वल है, तो ये भी इसके नॉट इक्वल हुआ। सिमिलरली ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, सिमिलरली ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ये ए वन बी वन सी वन सी टू ये सारे क्या हैं, कोफिशियंट्स हैं, क्या हैं, कोफिशियंट्स हैं, ठीक है। कोफिशियंट्स क्या होते हैं, कोई भी हमारी अननोन वैल्यू है ना उसके साथ जो वैल्यू इंटरप्रेट होती है उसको हम कोफिशियंट्स इन अ सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बात हमेशा ध्यान रखनी कि वो कोफिशियंट्स का रेशियो होता है, कभी भी आप एक्स वाई में रेशियो मत ले लेना वहाँ पर, है ना। वो हमेशा हमें अननोन्स देता है ना। अगर जैसे मुझे वो कोई लीनियर इक्वेशन दे रहा है ना, कोई सॉरी हाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रहा है वो मुझे, इसने मुझे कोई इक्वेशन दे दी कि थ्री एक्स प्लस ए माइनस बी वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी मिलती है हमें इसके अंदर, है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारा बी वन है, मान लो कि हमारी इक्वेशन वन है, ठीक है, ये क्या है हमारी इक्वेशन वन है, तो इसका जो बी वन है वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। और अगर साइन है इधर तो साइन का भी ध्यान रखना है हमें, है ना। दिस वॉज ऑल अबाउट द सिस्टम्स कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ये बात तो ध्यान रखिएगा आप, एंड ईजिली आप इसको क्रैकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें पढ़ने की ज़रूरत इतनी तो नहीं है, बट हाँ एक बार अगर आप रीडिंग कर लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट अस ग्रो नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्स एंड योर फैमिली, बाय बाय।